अगला कथन दिया गया है जिसमें भी हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत का उपयोग करके इसे सिद्ध करना है। 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7। इस तरीके से ये अप टू है 1/2n-1 × 2n+1। ये n/2n+1 होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो पिछले प्रश्न की भांति भी हमें अलग अलग स्टेप्स पर इसे सॉल्व करना है। तो स्टेप वन में होता है कि कथन जो है n=1 के लिए, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड n=1 अर्थात इसका पहला पद, या फिर इसके जो व्यापक पद है उसमें n=1 कर दीजिए तब भी आपको पहला पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1/1 × 3 करेंगे तो ये टोटली सॉल्व होकर के आपको मिल जाएगा 1/3। और इसके राइट हैंड साइड पर n=2 अगर आप 1 पुट करें तो 1/2 × 1 2+1, ये आपको मिल गया 1/3। तो इस तरीके से आप यह लिखेंगे कि अतः दिया गया कथन n=1 के लिए सत्य है। अब स्टेप टू, आगमन स्टेप या इंडक्शन स्टेप। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि माना n=m और ये बिलोंग्स टू n के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। अर्थात वह जो मान हमें n के लिए प्राप्त हुआ था वह m के लिए भी सत्य होगा। तो ये 1/1 × 3 और ये 1/3 × 5, ये 1/5 × 7 से अप टू 1/2m-1 × 2m+1 इक्वल टू, n के स्थान पर आप m रख दीजिए, m/2m+1। ये इसके लिए सत्य है। तो ये जो मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है और यहीं से हमारा स्टेप थ्री शुरू होता है कि समीकरण एक के दोनों पक्षों पर वन अपॉन 2m+1 और ये 2m+3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। अगर ये कथन सत्य है तो दोनों पक्षों पर समान राशि को जोड़ने या घटाने से उस कथन की सत्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 1/1 × 3 और ये 1/3 × 5 1/5.7 इस तरीके से 1/2m-1 और ये 2m+1 और इस संख्या को हमने दोनों पक्षों पर जोड़ा तो ये 1/2m+1 और ये 2m+3 इक्वल टू m/2m+1 प्लस 1/2m+1 और 2m+3 ये हमने पुट कर दिया। तो अब हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। इसका जो लघुत्तम समापवर्त्य मिलेगा ये होगा 2m+1 × 2m+3। तो इस 2m+1 × 2m+3 को भाग देंगे 2m+1 से तो आएगा 2m+3 और उसको हम m से गुणा करेंगे तो m × 2m+3+1। तो आगे जब इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2m²+3m+1/2m+1 और 2m+3। आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये m में एक वर्ग समीकरण है, गुणनखंड करने पर आपको मिल जाएगा m+1 × 2m+1/2m+1 और ये 2m+3। तो 2m+1 अंश और हर से कैंसिल हो जाएगा और आपको यह मिल रहा है m+1/2m+3 या फिर इसे आप लिख सकते हैं m+1 अपॉन
टू इंटू एम प्लस वन प्लस वन, तो ये एम प्लस वन और ये भी एम प्लस वन। तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर वन अपॉन टू एम प्लस वन इंटू टू एम प्लस थ्री को ऐड किया था, तो इस तरीके से यह जो दिया गया समीकरण है या सूत्र है वह m प्लस वन के मान के लिए भी सत्य है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया कथन n इक्वल टू m प्लस वन के लिए सत्य है। यदि n इक्वल टू m के लिए सत्य है तो आगे हम लिखेंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी पूर्णांक मानों के लिए सत्य है और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n इंटू एन प्लस वन एक सम संख्या है। तो यहाँ पर हमें n इंटू एन प्लस वन एक सम संख्या है यह सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो वही जो स्टेप, तो वही जो तीन चरण की प्रक्रिया है उसी को फुलफिल करते हुए हम इसे सरल करेंगे। तो पहला स्थिति यह कि n इक्वल टू वन के लिए, तो यदि n इक्वल टू वन के लिए हम देखें तो n इंटू एन प्लस वन, तो ये वन इंटू टू हो जाएगा, वन प्लस वन टू इक्वल टू टू, जो कि सम संख्या है। अर्थात यह कथन n इक्वल टू वन के लिए सत्य है। अब माना n इक्वल टू एम के लिए यह कथन सत्य है, अर्थात m इंटू एम प्लस वन एक सम संख्या है। इसलिए n इंटू एन प्लस वन में n के स्थान पर m प्लस वन रखने पर तो n इंटू एन प्लस वन जो है उसमें हम m प्लस वन और फिर m प्लस वन प्लस वन, तो ये आपको मिल जाएगा m प्लस वन इंटू एम प्लस टू, और फिर इसे हम सरल करके लिख सकते हैं m इंटू एम प्लस वन प्लस टू इंटू एम प्लस वन। तो देखिए कि m इंटू एम प्लस वन ये तो सम संख्या है और इसके बाद में जो अगला पद है इसमें दो का गुणा है, अर्थात यह दो का गुणज है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यह भी एक सम संख्या है। क्योंकि m इंटू एम प्लस वन एक सम संख्या है तथा इंटू एम प्लस वन दो का गुणज है या पूर्णांक गुणज है, इसलिए m इंटू एम प्लस वन प्लस टू इंटू एम प्लस वन एक सम संख्या है।
इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः दिया हुआ कथन n इक्वल टू एम प्लस वन के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया हुआ कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, और यही हमें सिद्ध करना था। इसमें अगला प्रश्न दिया है कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, अर्थात जो स्मॉल n है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है, के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन छः से विभाज्य है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना कि इसका जो कथन है यह पी एन है, और यह है एन इंटू एन प्लस वन, इसमें हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। अब इसे हम एन इक्वल टू वन के लिए चेक करते हैं, एन इक्वल टू जब वन रखेंगे तो वन इंटू वन प्लस वन टू, और टू इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री, तो ये मिल गया सिक्स। अब यह तो छः से विभाज्य है, जो कि छः से विभाज्य है, तो छः खुद से विभाज्य है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसलिए दिया हुआ कथन n इक्वल टू वन के लिए सत्य है। अब इसका जो दूसरा स्टेप है, यहाँ पर हम मानेंगे कि दिया हुआ कथन n इक्वल टू एम के लिए सत्य है, अर्थात जो m इंटू एम प्लस वन इंटू टू एम प्लस वन छः से विभाज्य है, n के स्थान पर हमने सिंपली m रख दिया। अब p ऑफ m प्लस वन रख करके देखते हैं, तो m प्लस वन, ये जो m है इसके स्थान पर हम m प्लस वन रखेंगे, तो ये मिलेगा m प्लस वन प्लस एम प्लस वन प्लस वन, और फिर टू इंटू एम प्लस वन प्लस वन। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू इंटू टू एम प्लस थ्री। प्रथम दो पदों को यदि आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू, और फिर अंतिम पद ये टू एम प्लस थ्री। गुणा करके सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4m प्लस 6, या और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 6। और इसको हम लिख सकते हैं 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, और फिर बचे हुए पदों को हम आगे लिख सकते हैं 6m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 6। देखिए कांस्टेंट 6 है, 13m तो ये 12m प्लस m, और 9m स्क्वायर तो ये 6m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर। अब इसका यदि आप गुणनखंड करेंगे 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, इसको आपको सरल करने पर मिलेगा m इंटू एम प्लस वन इंटू टू एम प्लस वन। और इसी तरीके से इस पद में यदि आप छः उभयनिष्ठ निकालें तो बचेगा m स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, जो कि m प्लस वन के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि m इंटू एम प्लस वन इंटू
टू एम प्लस वन, ये पी ऑफ एम है। और अगला जो हमारा पद है ये सिक्स इंटू है एम प्लस वन का होल स्क्वायर। चूँकि एम भी पूर्णांक संख्या है और इसको सरल करने पर आपको पूर्णांक संख्या मिलेगी, तो इस तरीके से अगला ये वाला जो पद है यह छः का पूर्ण गुणज है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो कि अर्थात पी ऑफ एम प्लस वन छः से विभाज्य है। किस तरीके से विभाज्य है? क्योंकि ये तो छः से विभाज्य है और ये छः का पूर्ण गुणज है, इस तरीके से ये छः से विभाज्य है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, और यही हमें सिद्ध करने कहा गया था। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स का पावर n जो है यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स या एक्स एन है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सरल करने के लिए हम लिखेंगे कि माना जो p ऑफ n है ये है 1 प्लस एक्स का पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये कथन है, हम ये मान करके चलते हैं। अब n इक्वल टू 1 के लिए कथन का लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और इसका जो राइट हैंड साइड है ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये कि ये जो दिया गया कथन है ये n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तो हम लिखेंगे कि अतः कथन p ऑफ 1 के लिए सत्य है। अब हम आगे मान करके चलेंगे कि माना कथन p ऑफ k सत्य है। तो इसका मतलब ये कि p ऑफ k जो है ये 1 प्लस k का पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, ये सत्य है। ये उसका दूसरा स्टेप। अब हम p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर k और फिर 1 प्लस एक्स। और चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस एक्स का पावर जो k है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स है ये, तो इसका मतलब ये कि आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसको जब आप आगे सरल करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करके सब गुणा कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच के दोनों पदों में आप यदि x को कॉमन लें तो x इंटू 1 प्लस के ऐसा आएगा और फिर ये है के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के इंटू 1 प्लस एक्स, जैसा कि है कि के एक्स स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, अर्थात ये धनात्मक संख्या ही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के
इनटू वन प्लस के। तो इस तरीके से पी ऑफ के प्लस वन, इसका मतलब वन प्लस एक्स का पावर के प्लस वन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन प्लस के प्लस वन इनटू एक्स। ये पी ऑफ के प्लस वन सत्य है। जब पी ऑफ के सत्य है, इसका मतलब ये कि जब पी ऑफ के सत्य है तो इसका मतलब ये कि पी ऑफ के प्लस वन भी सत्य होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन Pn सभी पूर्णांकों n is greater than or equal to 1 के लिए सत्य है, और यही हमें सिद्ध करने कहा गया था।